एवरीवन, अरे ये आज हम लोग ये तुम्हारा क्या था ऑर्गन पाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला फोटो ऐसे ही दे दिया क्योंकि तुम्हारा लास्ट मोमेंट आ रहा है, तो जस्ट ये बताने के लिए कि तुमने देखो अभी तक इतना मेहनत कर चुके हो, यहाँ से तुम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पहुंचने वाले हो। ऐसा मत करना कि लास्ट मोमेंट पे ही तुमने छोड़ दिया। यहाँ पे मेन चीज ये था, तुमने ये लास्ट मोमेंट पे ये छोड़ने वाला गलती मत करना, जैसे इस इंसान ने किया। ये फेसबुक में बहुत देखोगे, ये वाला जो इमेज है, तो तुम्हें नेवर स्टॉप ट्राइंग, ये चीज याद रखना। और अपने आप को अभी तो खासकर मोटिवेट रखना, ठीक है? अगर ज्यादा नर्वस हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, आराम से कॉल वॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी कर रहे, पूछ भी रहे, मैसेज दे रहे, तो मैं तो ठीक है, एक चीज मैं बता भी दूंगा कैसे क्या करना है, ये सब मैं बाद में बता दूंगा। आज तो मैं ठीक टॉपिक डिस्कस करने वाला था, बस ये दिख गया सडनली कहीं से, तो मैं सोचा तुम लोगों को एक बार ये इमेज भी दे देता हूँ ताकि चीजों को याद रखे। थोड़े से गलती के लिए देखो ये मिस कर दिए इसने, थोड़े से लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है? तो वो गलती तुम लोग मत करना, इस इंसान की तरह मत बनना, अपना पढ़ाई पूरा जारी रखो, जोर से रखना ताकि तुम्हारा एंट्रेंस भी अच्छा हो। चलो अभी हम लोग मेन चीज पे आते हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, शॉर्ट जो तरीका, मैं यहाँ पे डेरिवेशन कुछ नहीं कराने वाला हूँ, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग के वजह से क्या चाहिए वो बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, तुम्हें दो चीजें याद रखना है इस वाले पॉइंट, ये क्लोज है, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक साइड क्लोज होता है, दूसरा ओपन होता है, ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनता है, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नोड, और यहाँ पे जो ओपन एंड होता है ना उसमें डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया, देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्लोज एंड डिस्प्लेसमेंट नोड। ठीक है, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट नोड होता है, लेकिन प्रेशर चेंज जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, याद रखना, प्रेशर चेंज इसका उल्टा होता है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे सिमिलरली ओपन एंड में हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा, एंटी नोड, क्या बनने वाला है, एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, लेकिन प्रेशर क्या होगा, चेंजेस मिनिमम, ये मैंने बता दिया। देखो ये दोनों ओपन है, तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ओके, यहाँ पे दो फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलूंगा, ध्यान से सुनो, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए मैंने फॉर्मूला दिया एन वी बाई टू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ये एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, इसमें भी एल एल लेंथ ऑफ द पाइप, वी इज स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेन चीज जो तुम्हें समझना है, मेन चीज जो तुम्हें समझना है यहाँ पे, ये एन जो है इस फॉर्मूला में हार्मोनिक है, ठीक है, और यहाँ पे जो एन है दिस इज ओवरटोन, 2n+1 V/4L दिया हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ क्यों दिया हूँ, ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है? पहले देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ चीजें हटा रहा हूँ ताकि ये चीजें समझा सकूँ। एन जो मैंने नीचे दिया हुआ हार्मोनिक का ध्यान रखना। ओके, ये फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, सॉरी, यहाँ पे एन हार्मोनिक है, वेयर एन इज हार्मोनिक, क्योंकि आज किसी ने मुझे प्रॉब्लम के बारे में पूछा था, मैं सोचा एक ही साथ बना देता हूँ ये चीज। और यहाँ पे देखो एन हार्मोनिक है ना, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे एक मिनट रुको, जैसे एक मिनट, मेरे को जगह चाहिए, तो यहाँ पे जगह बना देता हूँ थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे, अब अगर तुम देखते हो यहाँ पे क्या होता है, ओवरटोन और हार्मोनिक में नॉर्मली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, पहला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस केस में जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप में सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो ओवरटोन हो गया, जीरो ओवरटोन। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मुला में दिया है तुम्हारा ओवरटोन, अगर मैं एन जीरो पुट करता हूँ तुम्हारा कितना आता है, V/4L, तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप में, ठीक है, फंडामेंटल एफ नॉट दे दिया V/4L, नोटिस करना। इसके बाद जो अगर एन वन पुट करते हैं, मतलब फर्स्ट ओवरटोन बोलोगे, तो ये कौन सा फर्स्ट ओवरटोन होगा, ठीक है, लेकिन कितना होगा, 3V/4L, याद रखना, तुम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वही उसका हार्मोनिक होता है, सिंपल डेफिनेशन है। मान लो मैं बोलता हूँ एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट था और तुमने एन टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, एनथ हार्मोनिक। तो इस इसमें नोटिस करो, इस केस में अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ओवरटोन की बात करो, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब इस केस में एन कितना हो गया, वन, फॉर्मूला में तो 2 n+1 3V/4L, 3V/4L, सो दिस इज 3V/4L, मतलब क्या है, V/4L इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 3 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो वो 3 है ना, दैट इज द हार्मोनिक, सो थर्ड हार्मोनिक हो गया इस केस में, फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक।
अगर मैं बोलता एन जीरो ओवर टू, जीरो ओवर टू, नोटिस करो टू इंटू जीरो प्लस वन वी बाई फोर एल हो गया, तो वन इंटू वी बाई फोर एल, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मैंने बोला ओवर टोन, ठीक है ओवर टोन, और इसको रिलेट कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं बोलू सेकेंड ओवर टोन, टू इंटू टू प्लस वन, ठीक है ये फाइव हो गया, फाइव वी वाई फोर एल, मतलब कौन सा हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, फाइव वी वाई फोर एल, क्योंकि फाइव एफ नॉट हो गया। तो याद रखना क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली और हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ओनली और हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, और हार्मोनिक्स जैसे वन थ्री फाइव सेवन, ओवरटोन सभी होंगे, ठीक है ओवरटोन का टेंशन मत लेना। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ओवरटोन हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, देखो ये ओवरटोन, ये हार्मोनिक है, अगर मैं बोलता ये हार्मोनिक है, तो ओवरटोन अगर बात करूँ, ओवरटोन मैं अगर ओवरटोन की बात करूँ, ओवरटोन ये कौन सा ओवरटोन होगा, नोटिस करो हमेशा सीरियली जाता है, जीरो वन टू थ्री ऐसे करके ओवरटोन, ठीक है। अब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए देखो, मैं एकदम खराब हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो बता देना। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला में एन बी बाई फोर एल दिया है, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे वन टू थ्री सब कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरटोन था, तो ओवरटोन जीरो से स्टार्ट होता है और हार्मोनिक हमेशा वन से स्टार्ट होता है, तो वन अगर वन पुट करोगे तो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, ठीक है फर्स्ट हार्मोनिक, टू पुट करोगे तो कौन सा हार्मोनिक होगा, सेकेंड हार्मोनिक, थ्री पुट करोगे तो कौन सा हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक। अब ओवरटोन की अगर बात करो, मैंने बोला था ओवरटोन हमेशा ये देखो यहाँ से वो स्टार्ट होगा ना, बी फार बी बाई टूएल्व, ये क्या है तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो ओवरटोन होता है, जीरो ओवरटोन, ठीक है ये जीरो ओवरटोन है, ये ओवरटोन के नंबर से अगर जाता हूँ, ये हार्मोनिक है, ठीक है ये हार्मोनिक, तो ओवरटोन पे अगर जाता, ओवरटोन मैंने अभी बोला था सीरियली होता है, तो ये जीरो हुआ, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ऐसे करके। तो इस केस में जो हार्मोनिक और ओवरटोन का रिलेशन है ना, एन माइनस वन है, मान लो अगर हार्मोनिक एन है तो ओवरटोन कौन सा होगा, एन माइनस वन, ठीक है मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, देखो सिंपल तरीका, पहले चलो मैं ये बता देता हूँ, अगर क्लोज पाइप के लिए यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, चलो क्लोज पाइप के लिए तुम लोग नोट कर लेना जल्दी से, क्लोज पाइप के लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए मैं अगर बोलता हूँ पीएथ हार्मोनिक, पीएथ सॉरी पीएथ बोल रहा हूँ कि मैं पीएथ क्या बोलता हूँ ओवरटोन, तो ये हार्मोनिक कौन सा होगा, दिस इज इक्वल टू, तुम खुद सोचो नोटिस करो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो फॉर्मुला से समझ में आएगा, एन ओवरटोन है तो टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड हो गया वी बाई फोर एल से, तो कौन सा हार्मोनिक हो जाता है टू एन प्लस वन, तो ऐसे पीएथ ओवरटोन बोलो तो कौन सा हार्मोनिक होगा टू पी प्लस वन एथ हार्मोनिक क्लोज पाइप के लिए, ठीक है। सिमिलरली ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए एन वी बाई फोर, देखो ये वन है ये जीरो है ये टू है ये वन है, मतलब मैं अगर बोलू एन एथ हार्मोनिक, ठीक है दिस इज इक्वल टू ओवरटोन में जाओगे तो एन माइनस वन एथ ओवरटोन, सिंपल सा फंडा है याद रखना, इतना अगर याद रखोगे मैं अभी दिखा दूंगा कि तुम्हारा हर प्रॉब्लम बन जाएगा जो पहले आ चुका है, ठीक है हर प्रॉब्लम बन जाएगा, मैंने जो अभी तक पॉइंट बोला है ये एंटी नोड नोड ये सब जो फंडा बोला है ये सब अगर याद रखोगे सब तुम्हारा आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लेना, भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं, तुम खुद देखना। देखो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप, नोटिस करना ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप मैं एफ वन लिख देता हूँ, वी वाई कितना होता है ओपन ऑर्गन टू एल होता है, ठीक है थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप, यहाँ पे ध्यान रखना थर्ड हार्मोनिक मतलब हार्मोनिक जब भी बोलते हैं कितने टाइम से मल्टीप्लाइड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज ऑर्गन पाइप देखो क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना होता है वी बाई फोर एल, थर्ड हार्मोनिक बोला एफ थर्ड सी ओ पी लिख दिया, ठीक है थर्ड हार्मोनिक तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ना थ्री वी बाई फोर एल, सिंपल सा तरीका है। बोला गया दिस ये मान लो लेंथ एल वन है ये मान लो लेंथ एल टू है, क्योंकि लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है दोनों इक्वल है तो बोला नहीं है, बस बोला गया लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एफ वन इज इक्वल टू एफ थ्री सी ओ पी बोला है, ये ओपन ऑर्गन पाइप था चलो ओपन ऑर्गन पाइप ही लिख देता हूँ ओ पी उप्स जो भी लिखते हो, तो यहाँ पे कितना आ गया नोटिस करो वी बाई टू एल वन इज इक्वल टू थ्री वी बाई फोर एल टू, ये तो स्पीड ऑफ साउंड है ये तो सेम रहेगा कैंसिल आउट, टू एल वन, एल वन कितना दिया देखो क्लोज ऑर्गन पाइप का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सो एल टू इज
20 सेंटीमीटर, और ये 1/2 L1 है तो ये हो गया तुम्हारा 10, और इसका ये 40/3 आ रहा है, सो L1 का वैल्यू आ गया 40/3 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू, तुमको सोचो 10 11 तो 13.2 के आसपास होगा, सो L1 आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती किया है क्या। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाता हूँ मैं, एक एक करके सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कैसे करना है। मैं सिंपल फंडा जो इनिशियल वाला पार्ट में बताया था ना वही मेन था। देखो, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड, नियरेस्ट हार्मोनिक मतलब ऑल्टरनेट हार्मोनिक, ठीक है, ऑफ ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, क्लोज एट वन एंड मतलब एक साइड क्लोज है, एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, मतलब ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज, ओपन ऑर्गन और पाइप में दोनों ही बंद होता है। अब एक चीज देखो, नियरेस्ट हार्मोनिक तो एक अगर एनएथ है, एनएथ हार्मोनिक है, दूसरा कौन सा वाला हार्मोनिक हो, एनएथ प्लस वन एथ हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो, एन प्लस वन एथ भी हो सकता, ओके ये एन प्लस वन एथ ही होगा क्योंकि तुम्हें याद है ना क्लोज ऑर्गन, सॉरी ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो तुम्हारा एक अगर एन एथ प्लस वन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रहना है ना, देखो वन के बाद थ्री आता है, फिर फाइव आता है, फिर सेवन आता है, नोटिस करो 1 3 5 7 अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, तो ये कितना होगा, नेक्स्ट वाला कितना आएगा, ये अगर एन है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, एन प्लस टू, दो ज्यादा बढ़ गया, हमेशा और हार्मोनिक होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे एक चीज देखना, मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैं अगर बोलू देखो ये एन एथ हार्मोनिक है, मान लो ये एन एथ हार्मोनिक है और ये एन प्लस वन एथ हार्मोनिक है, ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का एन प्लस टू एथ। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको तुम्हें पहले आसान तरीके से सिखा लेता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। देखो मैं इनका रेशियो लेने वाला हूँ, इनका रेशियो ले रहा हूँ, देख लो ये देखो एक रेशियो तरीका, शॉर्ट ट्रिक, पहले शॉर्ट ट्रिक, ये 220 हर्ट्ज है और ये 260 हर्ट्ज है, इनका रेशियो ले लो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा हार्मोनिक है। कैसे मैं बता देता हूँ, देखो ये तुम्हारा अगर देखोगे ये कैंसिल आउट कर दो, 11 2 जा 13 2 जा, ठीक है, तो 11 is to 13 आ रहा है, मतलब ये जो है ना 11 हार्मोनिक हो गया, ठीक है 11 हार्मोनिक, क्योंकि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है, रेशियो ले लेना, ये 13 हार्मोनिक होगा। तो एक चीज नोटिस करो, तुम्हें पता है 11 हार्मोनिक मतलब 11 into f0, ठीक है, ये इक्वल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल कितना दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, तो तुम्हारा एफ नॉट कितना आ गया 20 हर्ट्ज आ गया, या फिर तुम इससे भी यूज कर सकते हो 13 into f0 इस इक्वल कितना दिया हुआ है, मतलब 13 हार्मोनिक 260, एफ नॉट कितना आएगा 20 ही आएगा, ये शॉर्ट मेथड है, एकदम जल्दी से हो जाता है। अब लंबा वाला सिखा रहा हूं तब तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा तुम लोग कितना जल्दी कर पा रहे इसको, ठीक है। यहाँ पे देख, मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं हार्मोनिक के बदले क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप है, मैं पीएच, क्योंकि पीएच वाला फॉर्मूला दिया था एफ एन इज इक्वल ट्वाइस एन प्लस वन वी बाई फोर एल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरटोन का दिया था ना, सो मैं इसको बोल देता हूँ एक मान लो एन एथ ओवरटोन है एंड दूसरा जो होगा इसका नेक्स्ट वाला, क्योंकि हमेशा ओवरटोन सीरियली होता है, एन प्लस वन एथ ओवरटोन होगा, ओवरटोन सीरियली होता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या देखना, एफ एन इज इक्वल टू ये हो गया, तो एफ एन प्लस वन कितना होगा, टू एन प्लस वन अंडर हो गया प्लस वन वी बाई फोर एल, और यहाँ पे कितना हो गया नोटिस करो, ये आ गया तुम्हारा ट्वाइस एन प्लस थ्री वी बाई फोर एल, और यहाँ पे एन एथ हार्मोनिक देखो जो छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला होगा नीचे वाला, ये छोटा वाला होगा क्योंकि टू एन प्लस वन है, ये टू एन प्लस थ्री है, तो इसको मान, ये मान लो 220 हर्ट्ज वाला है, इक्वेशन वन मान लो, और ये मान लो तुम्हारा टू, सॉरी ये मान लो 240 हर्ट्ज वाला है, 260 हर्ट्ज वाला है, इक्वेशन टू। अब एक काम कर सकते हो तुम, 2 - 1 कर दो तो 260 - 220 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे 2n + 3 v/4l है और 3n + 1 v/4l है, तो इनको माइनस करोगे 2n v/4l कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा 2 into v/4l, v/4l इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये तो पता है ना, सो ये 20 हर्ट्ज हो गया, सो v/4l या f नॉट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज, ये तरीका है, दोनों तरीका तुम्हारे लिए जो भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, मैं यहाँ पे कुछ ही प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, जो मतलब कुछ मतलब सफिशियंट प्रॉब्लम करा दूंगा जो आया हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग समझ पाओगे। अगर शॉर्ट ट्रिक में हमेशा याद रखना, जो भी अगर कंसेक्यूटिव दिए हुए है ना उनका रेशियो निकाल देना, रेशियो से तुम्हें हार्मोनिक पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है 37,
क्वेश्चन नंबर 37। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी। देखो सेकेंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप, सेकेंड ओवरटोन क्योंकि हमें ओपन ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक में करना, तुम्हारे लिए इजी होगा। याद है ना ये सीरियली जाता था और एक ज्यादा होता था, अभी मैंने बताया था। तो सेकेंड ओवरटोन इस केस के लिए, इस केस के लिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए सेकेंड ओवरटोन क्या होता था? थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो, देखो एफ थर्ड हार्मोनिक मैं लिख देता, थर्ड हार्मोनिक सीओपी लिख दिया, 3V/12 होगा। ठीक है, 3V/12 होगा, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना। हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था, ये तो यहाँ पे ओवरटोन में ही दिया था, वी बाई फोर एल याद करो। तो फर्स्ट ओवरटोन पुट करोगे तो एन वन पुट कर दो बस, एफ फर्स्ट ओवरटोन 2×1+1, तो ये वी बाई फोर एल, दिस इज 3V/4L, मतलब ये कौन सा हार्मोनिक है नोटिस करो, ये थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, यहाँ पे ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, क्योंकि लेंथ निकालना है, लेंथ सेम नहीं बोला है, ये दोनों इक्वल बोला है। F थर्ड COP ऐसे कर लो, F फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे लिख दिया 3V/2L1 ऐसे कर लो 3V/4L2, तो यहाँ पे 3V/3V कैंसिल आउट, 2 ये 2 बचेगा, 2L2 किसका लेंथ दिया हुआ है, सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप L मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ L2L बोला गया। ठीक है, तो 2L, L1 का वैल्यू तो मेरा 2L आ रहा है, ठीक है ये वाला आंसर आ रहा है, ये 20 आया था, चलो मैं बाद में चेक कर लूंगा, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितने आसान है अगर समझ जाते हो इस कॉन्सेप्ट को, बस छोटा सा एक चीज है जिसको लोग थोड़ा सा मिस करते हैं, अगर वो समझ गए तो बाकी सब आसान है। अब देखो एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर रेजोनेंस विद अ ट्यूनिंग फॉर देन। ओके देखो व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ, ओके तुम्हें रेजोनेंस का, ये रेजोनेंस का यूज होगा, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर। ठीक है, ये तुम्हारा रेजोनेंस एयर कॉलम है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये अलग टॉपिक का तुम्हारा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इक्वल टू द, अभी ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, अभी हम लोगों ने किया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकेंड ओवर टू मतलब ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो उसके लिए हार्मोनिक कन्वर्ट कर लेना, थर्ड हार्मोनिक कर पाओगे इसको भी मैं मान रहा हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ व्हिच फ्रीक्वेंसी लाई बिलो। देखो ये कैसा क्वेश्चन करना है, 41 देखो, ये तो कर पाओगे, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है हम लोगों ने। नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एफ एन एट ओवरटोन देते हैं हम लोग, 2N+1 V/4L होता है। ठीक है, क्लोज एन वन एन, ठीक है तो ये वाला हो गया तुम्हारा। मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे जो एन होता है जीरो से स्टार्ट होगा, इस केस में याद रखना ये ओवरटोन है तो जीरो से स्टार्ट होगा। सो 2N+1 V/4L इज इक्वल टू मैक्सिमम मान लो 1, देखो 1250 अगर हर्ट्ज होता, उनको देखो एक बार V/4L क्या था, देखो मैं पहले समझा देता हूँ। B is 340, 4L, L कितना दिया है तुम्हारा 85 सेंटीमीटर, मतलब 0.85 मीटर, 4×8 ये कितना आएगा नोटिस करो, ये अगर 85 3.4 होगा ये, तो ये तुम्हारा 100 गया। सो नोटिस करो 2N+1, अगर मैं N 0 होगा तब ये कितना आएगा, F 1 आएगा तुम्हारा 100, F अगर N इक्वल 2 हुआ नोटिस करो, N इक्वल 1 हुआ मान, क्योंकि ओवरटोन है, 300 ये जीरो लिख देता हूँ, एन इक्वल टू 2 हुआ तो कितना आएगा, 2×3 = 2×4 500 आ गया। सो ऐसे करके फिर क्या कौन सा आएगा, 3 करोगे तो 700, 900, 1100, ठीक है ऐसे करके, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आ रहे, टोटल कितने आ गए, 3, 6। ठीक है, क्योंकि उससे उसके बाद जो 1300 आएगा, This is greater than 1250, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ तक ही आएगा, तो टोटल नंबर कितना होगा, 6। If we study the vibration of a pipe open at both end, then which of the following statement is not true? कौन सा true नहीं है? Open organ pipe में all harmonic possible था, याद है? तो ये सही बोला है। Pressure change will be maximum at both end. तुम्हें अगर याद है, ये open end है, यहाँ पे displacement क्या होता था? Antinode pressure change क्या होता था? Minimum. तो यहाँ पे minimum होना चाहिए, ये गलत है। ओपन एंड विल बी एंटीनोड, ओपन एंड एंटीनोड ही होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, एंटीनोड बोले तो डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड।
और हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। हाँ और हार्मोनिक्स तो जनरेट हो रहा है ना, और भी हो रहा है, इवन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है, तो और भी तो हो रहा है, ये सही है। ठीक है चलो, मैंने यहाँ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करा दिया। इसके ऊपर अगर तुम लोगों को कुछ डाउट है मुझे बाद में आराम से बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।